बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार हलचल का दौर जारी है। नीतीश कुमार के जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने राबड़ी देवी आवास जाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव भी उपस्थित रहे। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और खासकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी रविवार की दोपहर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने उनके आवास पहुंचे। 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। पिछले दिनों भी कई विधायक लालू से मुलाकात करने पहुंचे थे। राबड़ी आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 1 जनवरी को होने वाले जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के वहां मिलने को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधि मंत्री शमीम अहमद भी लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद भी आए थे। जानकार बताते हैं कि राज्य के बदलते सियासी दौर में इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। पिछले कुछ दिनों से जेडीयू और आरजेडी के बीच कटुता पनपने का बीजेपी दावा कर रही है। पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ललन सिंह जेडीयू को आरजेडी में विलय करने वाले थे। उनकी तैयारी थी कि तेजस्वी यादव जल्द बिहार के सीएम बने, इस वजह से नीतीश कुमार उनसे नाराज थे। इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। ललन सिंह को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटना पड़ा और नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। इस बीच विधानसभा स्पीकर की लालू यादव से मुलाकात को लेकर बिहार में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने से नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास एनडीए में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार चाहें तो उनके लिए बीजेपी से वो पैरवी कर सकते हैं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना विदेश दौरा रद्द कर दिया था। इन हालात में विधानसभा अध्यक्ष का सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आरजेडी के मुखिया से मुलाकात सामान्य घटना नहीं है।